मौसम में एकाएक बदले मिजाज की वजह से शुक्रवार शाम तेज आंधी ने 62 से अधिक जगहों पर पेड़ों को धराशायी कर दिया। इसके अलावा 4 से अधिक जगहों पर इमारत का मलबा गिरने और विभिन्न स्थानों पर जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली के नरेला में बड़ा पेड़ कार के ऊपर गिर गया। गनीमत ये रही कि कार में सवार दंपत्ति इस हादसे में बाल बाल बच गए। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कार की छत टूट गई है। बता दें कि शाम 5 बजे के बाद आई आंधी में ये दंपत्ति अपनी कार में सवार होकर दिल्ली से सोनीपत जा रहा था। अचानक से तेज आंधी में ये पेड़ इनकी कार पर आ गिरा। भाई दिल्ली से ड्यूटी से आ रहे थे, एलजी पेट्रोल से है और सोनीपत घर जा रहे थे। फिर क्या हुआ? रास्ते में अचानक ऊपर से पेड़ गिर गया। बारिश आ रही थी, तूफान आ रहा था, अचानक से पेड़ गिर गया गाड़ी के ऊपर। चोट वोट तो नहीं लगी? ना, चोट नहीं लगी। मेरे घर वाली और मेरी वाइफ और हम दोनों। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में हवा की रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। इस वजह से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। कुछ जगहों पर पेड़ बीच सड़क पर आ गए, इस वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। दिल्ली से नवद टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।